तो यार मैं आज आप सभी लोगों के लिए वर्सेस वीडियो नहीं बल्कि एक दूसरी तरह की वीडियो लेके आया हूँ। और थंबनेल और टाइटल को देखकर तो आप लोग भी ये समझ गए होंगे कि आखिर आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अब देखा जाए तो आज की वीडियो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इसके बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप ये पक्का बोलोगे मजा आया। तो मेरा नाम है मनीष और एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉमिक वुड की एक और नई वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं इससे पहले वाली वीडियो के विनर्स की। और उन पांचों लोगों के नाम हैं बग्गा CR7, मुस्ताकिम हेवन, टॉकिंग फैक्ट्स, मिथिलेश यादव और कुणाल गेम। तो यारो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि कौन से DC सुपर हीरो को उसकी पावर रिंग से मिलती है। तो बिना ज्यादा आप लोगों का और टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यार पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये वीडियो कोई रैंक वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी फीमेल सुपर हीरोज हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन सी फीमेल सुपर हीरोज हैं। नंबर 1, रोग। अब आप लोगों में से जिन्होंने एक्समैन की मूवीज देखी होगी वो इस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते होंगे, जहां एक्समैन की फर्स्ट मूवी में इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और मूवी में इस रोल को प्ले किया था एन्ना पेक्विन ने, जो कि खुद भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रही है। इसके अलावा अगर बात करें इस कैरेक्टर के कॉमिक लुक की तो वो कुछ इस तरह का रहा है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि कॉमिक्स में रोग का लुक काफी ज्यादा बोल्ड है। नंबर 2, ब्लैक कैनरी। ये कैरेक्टर DC से बिलोंग करता है, जो कि बर्ड्स ऑफ प्रे टीम की एक मेंबर भी रही है। ब्लैक कैनरी का रियल नेम है डिना और उसको मार्शल आर्ट्स की काफी अच्छी नॉलेज है। कुछ टाइम पहले आई बर्ड्स ऑफ प्रे मूवी में हमें ये कैरेक्टर दिख चुकी है। इस मूवी में इस कैरेक्टर का लुक काफी ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन अगर आप लोग इसके कॉमिक के लुक को देखोगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये कैरेक्टर भी कितना ज्यादा बोल्ड कैरेक्टर है। अब इसके बाद जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम भी ब्लैक कैनरी से काफी ज्यादा सिमिलर है। नंबर 3, ब्लैक कैट। मूवीज में अभी तक हमने MJ या फिर ग्वेन स्टेसी को स्पाइडरमैन के लव इंटरेस्ट के रूप में देखा है, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि ब्लैक कैट भी स्पाइडरमैन का लव इंटरेस्ट रह चुकी है। वैसे तो ये कैरेक्टर अभी तक हमें मूवीज में नहीं दिखा है, लेकिन हाल ही में आई नो वे होम मूवी में हमें ब्लैक कैट का एक रेफरेंस भी देखने को मिला था। तो चांसेस हो सकते हैं कि आने वाली स्पाइडरमैन मूवीज में हमें ब्लैक कैट और स्पाइडरमैन का कोई रिलेशन देखने को मिल जाए। और अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो सच में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप लोग भी ये देख ही रहे हो कि ब्लैक कैट कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव और बोल्ड है। अब इस बारे में आप लोग का क्या कहना है? क्या आप लोग भी स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट को एक साथ देखना चाहते हो? अगर हाँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, स्टारफायर। बचपन में आप लोगों ने भी कार्टून नेटवर्क पे आने वाले टीन टाइटन्स नाम के शो को तो देखा ही होगा, क्योंकि इसी शो में हमें स्टारफायर भी देखने को मिली थी। अब वैसे तो स्टारफायर अर्थ से नहीं बल्कि एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करती है और उसी प्लेनेट की ये प्रिंसेस भी रही है, लेकिन एक एलियन होने के बावजूद ये हमारी अर्थ में मौजूद फीमेल सुपर हीरो से काफी ज्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो स्टारफायर को यहीं पे छोड़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट फीमेल सुपर हीरो से। नंबर 5, सुपर गर्ल। अब सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है और उसे हर कोई काफी ज्यादा पसंद भी करता है। तो बस आप लोग ये समझ लो कि सुपर गर्ल सुपरमैन का एक फीमेल वर्जन है, जिसके पास हमारे सुपरमैन की तरह ही सारी पावर्स हैं और उसके बावजूद इसके पास कुछ ऐसी पावर है जो कि हमारे सुपरमैन के पास भी नहीं है, और वो पावर है सुपर गर्ल की। माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं। तो इसी पावर के चलते वो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। नंबर 6, मीरा। अब ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस कैरेक्टर को हमने सबसे पहले एक्वामैन की मूवी में देखा था, और इस मूवी में जब मैंने इस कैरेक्टर को देखा तो ये कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अब क्योंकि ये कैरेक्टर एम्बर हर्ड ने प्ले किया था, इसी वजह से ये कैरेक्टर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। अब एम्बर हर्ड कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इनकी कॉन्ट्रोवर्सी के चलते ऐसा सुनने में आ रहा था कि शायद ये एक्वामैन 2 में हमें नहीं दिखे, लेकिन फाइनली अब ये क्लियर हो गया है कि ये कैरेक्टर हमें एक्वामैन 2 में दिखने वाली है। अगर इस कैरेक्टर का कॉमिक लुक देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा बोल्ड है, लेकिन मुझे कॉमिक से ज्यादा मूवी का लुक पसंद आया। नंबर 7, स्पाइडर वुमन। तो जिस तरह से सुपर गर्ल हमारे सुपरमैन का फीमेल वर्जन है, ठीक उसी तरीके से ये हमारे स्पाइडरमैन का फीमेल वर्जन है, जहाँ इसके पास भी हमारे स्पाइडरमैन की तरह ही लगभग सारी पावर्स हैं। ये कैरेक्टर हमें कॉमिक्स में सबसे पहले मार्वल स्पॉटलाइट इशू 32 में देखा था। अब यार वैसे तो हमने स्पाइडर वुमन को अभी तक मूवीज में नहीं देखा है, लेकिन इसको देखने के बाद मैं इतना तो क्लियर कह सकता हूँ कि ये कैरेक्टर कभी हमें मूवीज में दिखा तो ये भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। नंबर 8, सुजन स्टॉर्म। ये कैरेक्टर मार्वल के फैंटास्टिक फोर से बिलोंग करता है और अभी तक इस कैरेक्टर को मूवीज में 3 बार प्ले किया जा चुका है,
लेकिन अगर आप लोग इस कैरेक्टर के कॉमिक लुक को देखोगे तो आप लोग भी ये समझ जाओगे कि ये कैरेक्टर कॉमिक्स में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो कि मूवीज में अभी तक उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है। लेकिन अब जब हमें मार्वल में फैंटास्टिक फोर दिखने वाले हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये कैरेक्टर हमें उसमें काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। खैर, इसके बाद जो फीमेल सुपर हीरो आने वाली है वो तो आप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद होगी। नंबर 9, हार्ली क्विन। वैसे तो इस कैरेक्टर को हम कॉमिक्स में बहुत ही पहले से देखता हुआ है, लेकिन सुसाइड स्क्वाड मूवी में हमने जिस हार्ली क्विन को देखा वो तो मुझे कॉमिक से भी काफी ज्यादा पसंद आई। और उसका पूरा क्रेडिट जाता है मार्गरेट रॉबी को, क्योंकि उन्होंने इस कैरेक्टर को जिस बोल्डनेस के साथ प्ले किया है वो और कोई एक्ट्रेस शायद ही प्ले कर पाए। इसी वजह से मार्गरेट रॉबी की हार्ली क्विन मेरी फेवरेट फीमेल सुपर हीरोज में से एक है। खैर, इसके बाद अब बात करते हैं हमारी फाइनल फीमेल सुपर हीरो की। नंबर 10, मिस्टीक। अगर इस कैरेक्टर की बात करी जाए तो हो ना हो ये कैरेक्टर आप लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये तो आप लोग भी काफी अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनका यूज करके ये किसी का भी रूप ले सकती है। यानी कि आपने इस लिस्ट में जितनी भी फीमेल सुपरहीरोज को देखा है ये चाहे तो इनमें से किसी का भी रूप ले सकती है, और इसी वजह से ये मेरी फेवरेट फीमेल सुपरहीरो है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट फीमेल सुपरहीरो कौन है, और साथ ही साथ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लगे हाथों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोग इस वीडियो का थर्ड पार्ट चाहते हो तो उसे बताने के लिए भी आप लोग बिल्कुल मत शर्माना। तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कॉमिक वुड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ, बी एंटरटेन।